आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। जगभरात कोरोना या संसर्गजन्य रोगाने थैमान घातले आहे। याला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने लॉकडाऊनची तारीख ही 31 मे पर्यंत वाढवली आहे। त्यामुळे रमजानच्या कालावधीमध्ये घरातच थांबून नमाज पठण करावे। या कालावधीत सर्वांनी आपल्या घरातच ईद ए नमाज पठण करावे आणि इफ्तार करावे असे आवाहन मुस्लिम धर्मगुरूंनी केले आहे। ईद ए नमाज हर मुसलमान मर्द अकील बालिग पर वाजिब है। जिस तरीके से हम जुमा इमाम के अलावा 5 आदमियों के साथ अदा करते हैं, इसी तरीके से ईद की नमाज भी जो है इमाम के अलावा 5 आदमी जो है मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। बाकी लोग जो है अपने घरों पर 4 की नमाज अदा करके ईद की नमाज का सवाब हासिल करेंगे। ईद की नमाज जो है घर में जमात के साथ अदा नहीं की जा सकती है, उसके लिए ईद की नमाज या तो मस्जिद में होगी या ईदगाह पर होगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये पाबंदी हम हमेशा हुकूमत का साथ देते हैं और इसी तरीके से हम शासन का एहतराम करते रहेंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हम इत्मीनान और सुकून के साथ में अल्लाह और रसूल का जिक्र करें और मुसलमानों के लिए और सारी दुनिया के लिए अमन अमान की और सलामती की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमन अमान की ज़िंदगी अता फरमाए और हमारे बाल बच्चों की और हमारे इमामों की और हमारे हाफिज़ों की और हमारे मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला नेकियों की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। दीपक गवई, स्वानंद मीडिया, अकोला। आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा स्वानंद न्यूजचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।